सो हेलो एवरी वन एज यू ऑल नो दिस इज निहार के तिवारी आई होप गैट यू आर डूइंग वेल एंड एज यू नो वी आर कवरिंग द सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वॉयरमेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम पूरा सिलेबस जो है उसे कवर कर रहे हैं आज हम फर्दर मूव करेंगे और जितना है वो चार पांच वीडियो में आपको पूरा सिलेबस अब कवर ही होने वाला है ज़्यादा बचा नहीं है तो हम आज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो आई होप गाइस कि आपने जो वीडियो है उसे लाइक कर दिया है नहीं किया तो प्लीज इस एफर्ट्स के लिए जरूर लाइक करें ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वीडियो वी विल कवर इकोनॉमिक पॉलिसी की मीनिंग इकोनॉमिक पॉलिसी टाइप्स जो कि हम डिटेल में समझेंगे आपको पता क्वेश्चन बनता है आपका मॉनिटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी से और इतना ही नहीं इकोनॉमिक लेजिस्लेशन क्या है एमआरटीपी एक्ट क्या है फेमा फेरा इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले वाले पार्ट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कवर किया था और उससे पहले वाले में हमने एक बेस पूरा इसका रखा था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंपोनेंट एलिमेंट और ये सारी चीजें जो बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रही थी नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट ज़रूर देखे वरना कोई आपका एग्जाम क्रैक इस तरीके से हो नहीं पाएगा कि एक वीडियो देखिए और हो गया यह तो आपको पहले से आना चाहिए आज हम बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है इकोनॉमिक पॉलिसी हमने पढ़ा था कल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने इसमें पढ़ा था इकनॉमिक इन्वायरमेंट वो सारे फैक्टर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो कि प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन है और कंजम्पशन है इम्प्लॉयमेंट है इन सारी एक्टिविटीज़ को जो भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं चाहे वो कंट्री का जीडीपी हो इन्फ्लेशन हो डिफ्लेशन हो ये सारी चीजें मिलकर हमारा एक इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बना रहा था और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस पे असर डाल रहा है मतलब इन्फ्लेशन कैसे बिज़नेस पे असर डाल रहा है वो सारी चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी आज एक नया टर्म आया है कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है हमें पता है हमारी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम है जैसे कि पॉवर्टी की प्रॉब्लम ले लीजिए गरीबी है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम तो हमें पता हमारी कंट्री में है लेकिन इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी कभी तो कंट्री डेवलप्ड हो पाएगी तो इसके लिए कौन एक्शन लेगा कौन इन सारे इशूज को एलिमिनेट करेगा एलिमिनेट करने का है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट इसके लिए क्या बनाएगी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगी कुछ रिफॉर्म्स लाएगी कुछ चेंजेस लाएगी कि क्यों कंट्री में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है क्या ऐसा है कि हमारे यहाँ गरीबी ज्यादा है इसके लिए हम कैसे काम करेंगे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो सारी चीजें आएगी इकोनॉमिक पॉलिसी में तो इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली है कि इसको आप फॉर्मुलेट करते हैं और एक्शन लेते हैं ताकि हम कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर कर पाए मतलब इन सारी प्रॉब्लम को कम कर पाए दीज एक्शन वॉल्ड डिजाइनिंग ईयरली बजट इस पर हम ईयरली बजट डिजाइन करते हैं कि सालाना हमें किस तरीके से पैसे खर्च करने हैं कि हाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है कैसे हमें गरीबी हटाने के लिए एजुकेशन पे उससे पे पैसा पे लगाना होगा कैसे सब्सिडीज पे लगाना है। तो वो सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं टैक्स रेट डिसाइड करते हैं मान लो कुछ लोग रिच है कुछ लोग पुअर है तो रिच वाले रिच होते जा रहे हैं क्योंकि इनपे इतना ज़्यादा टैक्स नहीं आ रहा तो उनको टैक्स डाल के उनको कंट्रोल करना और फिर उसका डिडिस्ट्रीब्यूशन करना सब्सिडीज़ के थ्रू ताकि पुअर वाले भी बैलेंस हो पाए तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है गवर्नमेंट कर रही है और ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कर कैसे रही है एक पॉलिसी एक फ्रेमवर्क बना के कि इस दायरे पे रह के ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री में होंगी तो इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कि ओनरशिप का नेचर क्या है पावर किसके हाथ में रहने वाली गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर में लेबर मार्केट कैसे वर्क करेगी इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे होंगे और बाकी सारे एस्पेक्ट अब हम आ रहे हैं एक ये इंट्रोडक्शन था मीनिंग पे प्रॉपर कि एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है पॉलिसी मेकर लेते हैं ताकि वो इकोनॉमी की फंक्शन को मैनेज कर पाए ये पॉलिसी अचीव करती है कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकता है इसलिए बनाई जा रही है कि हमें डेवलप्ड बनना है डेवलपिंग से तो हम चाहते हैं कि अब अपने कंट्री की जो तो बेसिक प्रॉब्लम पॉवर्टी बेसिक प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उस पर हम वर्क करें तो इन सारी पॉलिसी को भी बहुत सारे इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनल भी एक्सटर्नल भी इंटरनल हो गया कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का क्या बिलीफ है वो किस नजरिए से देख रही है कि कैसे हमें पावर किसके हाथ में ज्यादा देनी है और क्या वो रूल्स बना रही है क्या रेगुलेशन बना रही है तो हाथ उन, उनके हाथ में भी पावर है इसके साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक जो कि फॉरेन कंट्री है वो हमें कितना फंड दे रहा है वो कैसी पॉलिसीज हमारे लिए बना रही है अगर हम फॉरेन में ट्रेड करना चाह रहे हैं या अपनी कंट्री में, में बुला रहे हैं तो वो सारी चीज़ें ठीक है ये एक डिटेल है इसको आप बस इतना याद रखो कि ये क्या होता है बेसिकली और थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर की कौन कौन सी चीज़ें से अफेक्ट चीज़े करती है आपको पता होगा जब आज़ादी से पहले मतलब जो आज़ादी हो गई तो हमारे कंट्री में लोग इतना डर गए थे इतना खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने बोला कि अब हम ग्लोबलाइजेशन नहीं जाएंगे इतना हम दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री में व्यापार नहीं करने देंगे ना हमें उनसे ज़्यादा करना है है ना और ना ही आ, और लाइसेंस भी डाल दिए प्राइवेट भी इतना ना डोमिनेट करे तो लाइसेंसिंग बहुत रिस्ट्रिक्शन कर दिए कि नहीं कुछ भी करना है आप लाइसेंसिंग आपको चाहिए होगा तो इस केस में क्या होने लग गया कि कंट्री में थोड़े टाइम के बाद ना तो इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गया ना हमारे कंट्री से बाहर कंट्री वाले कर रहे थे एक्सचेंज अपना कोई प्रोडक्ट था हमारे अभी तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी बाहर इवॉल्व हो रहा था हम वो ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ वैन था तो जब इस तरह की चीज़ें हुई ना तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये सब करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि हमारी कंट्री अंडर डेवलप्ड होती जाए और हमें नुकसान ही सहना पड़ेगा तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं तभी आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबराइजेशन की तरह हम मूव करेंगे ठीक है ग्लोबल मार्केट में हम भी एंटर करेंगे हम बाहर वालों को अंदर आने देंगे हम हमें डर नहीं है गु, गु, गुलाम बना लेगा हम ऐसे रिस्ट्रिक्शन इतनी पॉलिसी टाइट रखेंगे कितना नहीं हो पाएगा उस तरीके से हमें करना है और लाइसेंस भी कहीं कहीं हम रोकेंगे प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ करेंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से वर्क करेगा वो ज़्यादा सही रहेगा गवर्नमेंट में इतना काम अच्छा हो नहीं रहा था तो फिर हमने चेंजेस लाए और इन चेंजेस को लाने के लिए हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जो इसे पूरा कंट्रोल कर रहा है ठीक है तो कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे यहाँ है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हम डिस्कस करेंगे पहली है आपकी फिस्कल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी बेसिकली क्या होती है ये इसमें हम लोग डील करते हैं कि गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी गवर्नमेंट कैसे टैक्सेशन पॉलिसी लेगी वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं उसका ये यूज़ करती है फिजिकल पॉलिसी इसको फॉर्मुलेट करता है गवर्नमेंट या फिर जो भी फिजिकल अथॉरिटीज़ हैं वो लोग ये देखती है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से अपना पैसा खर्च करना चाहिए कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए और टैक्सेशन गवर्नमेंट को कितना लेना चाहिए किस पे कितना लगाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट एक बैलेंस बना पाए कंट्री में और डिटेल में पढ़ रहे अभी आगे बट इतना समझो मोटा मोटा इसका ये काम है फिज पॉलिसी एक्सपेंशनरी भी हो सकती है मतलब कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करे और टैक्स को कम कर दे और ये गवर्नमेंट किस कंडीशन में करेगी जब उसको लगेगा कंट्री में इतना पैसा ही नहीं है कि लोग इतना ज्यादा टैक्स दे पाए तो हम उन लोग को थोड़ी लिबरल देंगे ताकि टैक्स उनके पास से ज्यादा नहीं जाएगा तो पैसे उनके हाथ में रहेंगे और हम खर्चा करते हैं हम वेलफेयर की तरफ जाते हैं हो सकता है कि आप स्पेंडिंग रिड्यूस कर दो और टैक्स बढ़ा दो क्योंकि आपको लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा इतना पैसा हो गया सबके पास कि अब लोग अमीर अमीर होता जा रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है जिसके पास पैसा वो और पैसे से पैसा बना रहा है क्योंकि उस उसमें इतना टैक्स लग ही नहीं रहा है कि वो रिटर्न फ्लो में आए और हम खर्च नहीं कर रहे हैं तो पुअर इतना वेलफेयर उनको नहीं मिल रहा है उनका एक्सप्लोर्टेशन हो रहा है ठीक है अब आते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग इस देखो कुछ कुछ फीचर्स हैं जो फिजिकल पॉलिसी को डिफाइड करता।, करता है पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग फिजिकल पॉलिसी इन्वॉल्व करता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑन वेरियस सेक्टर्स सच सचेस इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गवर्नमेंट किस सेक्टर में स्पेंड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ में एजुकेशन में डिफेंस में सोशल प्रोग्राम में इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी एज ए डायरेक्टली इंजेक्ट मनी इंटू द इकनॉमिक क्रिएटिंग जॉब एंड बूस्टिंग डिमांड और जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करता है तो हमें पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम से इंक्रीज होती है क्योंकि पैसा आ रहा है इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है खर्चा कर रही है वेलफेयर कर रही है जॉब्स ला रही है तो लोग जॉब करेंगे उनके पास पैसा आएगा उससे डिमांड लोगों की होगी कि भाई पैसा है तो हम डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी बढ़िया चलने लग जाएगी गवर्नमेंट जब स्पेंड करना शुरू करेगा इन सारे सेक्टर में टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसी इन डिसीजन रिगार्डिंग टैक्सेशन गवर्नमेंट कैन एडजस्ट टैक्स रेट गवर्नमेंट टैक्स रेट हमें पता है एडजस्ट कर सकती है इंट्रोड्यूस कर सकती है न्यू टैक्स जैसे जीएसटी आया प्रोवाइड टैक्स इंसेंटिव टैक्स इंसेंटिव बेनिफिट्स भी दे सकती है टू अचीव स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अब जो भी इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उसका जैसे ब्लैक मनी कंट्रोल करना था तो उसने अलग ही चीज़ें करी टैक्स अलग उससे सोचा जीएसटी हम लगाते हैं थोड़ा हम कंट्रोल लाए अपनी कंट्री में इन सब चीज़ों को लेकर है ना? तो चेंजेस इन टैक्स डायरेक्टली इंपैक्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड बिजनेस अफेक्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग डिसीजन और जब टैक्सेशन लगता है तो आपको भी पता आपका स्पेंडिंग डिसीजन अफेक्ट होता ही होता है जब आप ज्यादा टैक्स देने लग जाओगे तो पैसा इतना आपके पास बचेगा नहीं तो इतना स्पेंड भी आप ही करने वाले हो तो ये सब आता है ना फिजिकल पॉलिसी लिखो पाँच छे नंबर पे तो इतना लिख के आओ डेफिनेशन और फीचर्स ठीक है इसलिए हमने इसको पूरा डिटेल में किया है काउंटर साइक्लिक नेचर जो साइक्लिकल नेचर उसको काउंटर करता है फिजिकल पॉलिसी कैन बी यूज इन काउंटर साइक्लिक मैनर टू स्टेबिलाईज इकनॉमी ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न हमें पता जब इकोनॉमी हमारी डाउन हो जाती है ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा लोग कंज्यूम कर पा रहे पैसा ही नहीं है हमारी कंट्री में इतना तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्या करती है बढ़ा देती है और टैक्स क्या करती है रिड्यूस कर देती है ताकि लोग डिमांड करें उनके हाथ में पैसा रहे इतना उनको टैक्स नहीं देना तो पैसा आपके हाथ में अब आप स्पेंड करना शुरू करो हमने टैक्स कम कर दी है और हम भी स्पेंड कर रहे हैं ताकि आप लोग के पास चीजें आए आप लोग को जॉब मिले आप लोग को एम्प्लॉयमेंट हो तो आप फिर उस हिसाब से वर्क करो लेकिन जब हाई इन्फ्लेशन होता है देखता है गवर्नमेंट की महंगाई बहुत बढ़ गई है इकोनॉमिक ओवर हो रही है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है और टैक्स बढ़ा देती है ताकि वो इकोनॉमी को कूल cool डाउन कर पाए महंगाई आ गई है तो रिच जो है वो तो खरीद लेगा बढ़िया आराम से लेकिन जो पुअर है वो नहीं कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ गैप आ रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी ताकि उन लोगों से पैसा बाहर आए और तो टैक्स के थ्रू तो गवर्नमेंट पास कलेक्ट हो जो ये एक इनकम गैप ला रहे हैं तो और इकोनॉमी बैलेंस्ड हो पाए ठीक है और पुअर पे तो टैक्स लगे ना भाई उनके पास तो पैसा ही नहीं है कि वो उनपे टैक्स लगे तो जिसपे है उनसे एटलीस्ट लेके चीज़ों को ठीक किया जाए ताकि वो गैप जो है वो रिड्यूस हो बजट डेफिशिएंट एंड सरप्लस फिजिकल पॉलिसी कैन रिजल्ट इन बजट डेफिशिएंट एंड सरप्लस फिजिकल पॉलिसी की वजह से जो बजट है वो डेफिसिट भी हो सकता है या सरप्लस भी हो सकता है अब बजट डेफिसिट कब होता है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड टैक्स है। जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती है टैक्स लेने की वजह लीडिंग टू बोरोइंग और इंक्रीज पब्लिक डेट इससे क्या होता है गवर्नमेंट क्या हो सकता है कि वो बोरो करे क्योंकि आप आप गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और टैक्स तो ले रही है तो टैक्स के थ्रू तो उसके पास पैसा आ नहीं रहा है तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है गवर्नमेंट पास हो सकता है वो बाहर से बोरो कर रही हो उसका कर्जा बढ़ रहा है और बजट सरप्लस क्या है कि गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा ले रही है और स्पेंड कम कर रही है तो पैसा उसके पास ज्यादा आ रहा है तो बजट हमारा गवर्नमेंट बस बना हुआ है अलाउंग डेप रिडक्शन एंड इंक्रीज सेविंग तो फिजिकल डेफिशिएट और सरप्लस बजट डेफिशिएट और सरप्लस किसके वजह से होता है फिजिकल पॉलिसी की वजह क्योंकि फिजिकल पॉलिसी डिसाइड करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और टैक्सेशन तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रहा है और टैक्स कम ले रहा है तो पैसा गवर्नमेंट के पास से जा रहा है तो वो बौर करेगी और अगर गवर्नमेंट इसका पॉजिट कर रहा है तो उसके पास सेविंग ज्यादा होगी ऑटोमेटिक स्टेबिलाइज़र है ये फिजिकल पॉलिसी ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर की तरह एक्ट करता है क्यों इसमें ऑटोमेटिक स्टेबिलाइज़र हम मैंशन uh, करते हैं मतलब जब भी फिजिकल पॉलिसी ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो इसमें हम ऑटोमेटिक इस स्टेबिलाइज़र को इंक्लूड करते हैं ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर क्या होता है ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इकोनॉमी को स्टेबिलाइज़ करता है विदाउट एक्सप्लिसिट पॉलिसी चेंजेस मतलब हमें पॉलिसी में अलग से चेंजेस करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक स्टेबिलाइज़र हम पहले से ही मैंशन करते हैं जैसे कि प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जब हमको लगता है कि बहुत ज्यादा गैप आएगा रिच और पुअर में तो हम प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगाएंगे मतलब जो रिच है उससे टैक्स तो ले रहे हैं उससे और ज्यादा हम टैक्स वसूलेंगे ताकि हमारे पास वो पैसा वापस आए गवर्नमेंट के पास और जो पुअर है उनको उनको वो जो गैप की वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो कम हो जाए क्योंकि तो अब उनके हाथ में भी इतना पैसा नहीं है रिच के हाथ में तो फिर वो कहां से खर्चा करने लग जाएंगे तो वो बैलेंस होने के आसपास आएगा विच ऑटोमेटिकली रिड्यूस द टैक्स बर्डन दर्डन इकोनॉमिक जो पुअर उनके ऊपर कहां से टैक्स टकडाउर केवर्नमेंट ऑटोमैटिक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी देता है कि जो लोग मतलब अनएम्प्लॉयड है उनको भी गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है कि आप अपना दिल मतलब जो भी है डे टू डे एक्टिविटीज उसको इजीली कर पाओ इंक्रीज करती है जॉब जॉब जो लॉसेस है ऑटोमेटिक विच ऑटोमेटिक इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ जॉब लॉस मान लो कि गवर्नमेंट uh, ने क्या हुआ कि कंट्री में लोग जो है उनकी जॉब जा रही है वो लॉस कर रहे हैं उनकी जॉब जा रही तो इस केस में गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देगी कि ठीक है आपके पास जॉब नहीं है आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपको पैसे दे रहे हैं आप अपना घर चलाओ ठीक है तो ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर हम इंक्लूड करते हैं फिजिकल पॉलिसी में कि मान लो अगर ऐसी कंडीशन आई तो हम प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगाएंगे बैलेंस करने के लिए और, और ज़्यादा हुआ तो हम अनएलॉयमेंट बेनिफिट्स भी देंगे ठीक है तो ये थी आपकी फिजिकल पॉलिसी की फिजिकल पॉलिसी बेसिकली मीनिंग क्या है और क्या क्या इसके फीचर्स है गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशन हमने फिर पढ़ा काउंटर साइक्लिंग नेचर डाउन टर्न होता है तब क्या होता है और जब सही चल रही तब क्या है बजट और सरप्लस को कैसे वो करती है और ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर भी इंक्लूड करते हैं वो उसका काम क्या है नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में भी समझना जरूरी है इससे भी क्वेश्चन आता है एक तो हमने फिजिकल पॉलिसी पढ़ लिया यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पे पूरा खेला चल रहा है अब ये है मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी ओरिएंटेड पॉलिसी मनी से रिलेटेड पॉलिसी कंट्री में इकोनॉमी में मनी भी तो घूम रहा है वही तो सब जड़ है चीजों को इधर उधर करने वाली उसमें हम कैसे वर्क कर रहे हैं उसमें क्या गवर्नमेंट चीजें कर रही है मॉनिटरी पॉलिसी रिफर्स टू द एक्शन टेकन बाय सेंट्रल बैंक और मॉनिटरी अथॉरिटी टू मैनेज द सप्लाई ऑफ मनी इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट क्रिएशन कंडीशन इन द इकनॉमी मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसमें वो भी सारे एक्शन इंक्लूड होते हैं जो सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई मॉनिटरी अथॉरिटी किसी कंट्री की वो लेती है वो एक्शंस ताकि जो भी मनी की सप्लाई उसको वो मैनेज कर पाए इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर पाए और क्रेडिट कंडीशन जो लोन लेने वाली कंडीशन है देने वाली कंडीशन इकोनॉमी में उसको भी क्या कर पाए मैनेज कर पाए इसके फीचर क्या है पहला इंटरेस्ट रेट वन ऑफ द मेजर टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इज एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट मेजर जो टूल है कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए वो है कि मॉनिटरी पॉलिसी का कि इंटरेस्ट रेट के साथ आप क्या करो वर्क करो इसको एडजस्ट करो आप वो लोग को पता नहीं होगा इंटरेस्ट रेट क्या है इंटरेस्ट रेट क्या है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी जितने अब ये तो आपको भी पता है कि आप बैंक से अगर कोई पैसा ले रहे हो लोन में तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी टाइम टू तो टाइम इंटरेस्ट की तो वो क्या है मनी को बोरो करने की जो कॉस्ट है वो इंटरेस्ट रेट है वेद सेंट्रल बैंक लोअर इंटरेस्ट रेट इट बिकम चीपर फॉर द पीपल एंड बिजनेस टू ग्रो टू बोरो मनी जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर ली मान लो पहले दस परसेंट इंटरेस्ट पे पैसा दे रही थी जब आप लोन ले रहे थे अब उसने रिड्यूस करके पांच परसेंट कर दिया तो अब लोग क्या करेंगे और बिजनेस क्या करेगा पैसे लेना गौरव करना शुरू करेगा क्योंकि उसको लगेगा इंटरेस्ट रेट बहुत कम है ठीक है ले लेते हैं दिस इनकरेज कल एंड इन्वेस्टमेंट अब लोग स्पेड भी ज्यादा करेंगे क्योंकि पैसा आया लोन के थ्रू और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे जिससे क्या होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी चीजें बढ़ेंगी ऑन द अदर हैंड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इंटरेस्ट रेट के साथ ये खेला करेगी इसको वो बढ़ा दे तो आप कौन बोरो करना चाहेगा बोरिंग एक्सपेंसिस होगी तो हम सोचेंगे नहीं हम बोरो नहीं करेंगे तो इस केस में क्या होगा मान लो जब कंट्री में इन्फ्लेशन होता है महंगाई होती तो गवर्नमेंट जो भी मॉनिटरी पॉलिसी अथॉरिटी वो यही करती है बढ़ा दो तो इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया लोग बोरो करेंगे नहीं पैसा हाथ में आएगा ही नहीं तो कहाँ से इतनी महंगाई होगी डिमांड ही नहीं हो रही है पैसा प्राइस ऑटोमेटिक प्रोड्यूसर घटाएगा तो महंगाई जो है वो कम होगी तो इस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी से हम इकोनॉमी को ऐसे कंट्रोल करते हैं इंटरेस्ट रेट के थ्रू नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो कैसे वर्किंग को इफेक्ट करती है मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का ये भी टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन तो ये कॉमन टूल है यूज होता है मॉनेटरी पॉलिसी में इसमें क्या होता है जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है जैसे कि गवर्नमेंट जो बॉन्ड है ये सारी चीज़ें बाय या सेल करती है ताकि वो मनी का सर्कुलेशन को क्या कर पाए इन्फ्लुएंस कर पाए देखो कमर्शियल बैंक के पास और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन सबके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बॉन्ड वगैरह सब ये लोग भी लेते हैं खर्च करते हैं तो जब सेंट्रल बैंक मान लो कंट्री कंट्री का bank, हमारे का सेंट्रल बैंक बैंक हमारे ऑफ इंडिया वो इन सिक्योरिटीज को खरीदती है तो कमर्शियल बैंक से खरीद रही है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिससे भी खरीद रही है तो उनको वो पैसे देगी तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा रिजर्व बनेगा अब वही जो पैसा रिजर्व बनेगा कमर्शियल बैंक के पास एज सेंट्रल बैंक ने उससे सिक्योरिटी खरीदी तो उसको पेमेंट किया तो अब हमारे पास पैसा आया कमर्शियल बैंक के पास अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आए तो जब लोग उससे पैसा लेने आएंगे तो उसके पास इतना पैसा रहेगा कि उनको दे पाए तो लोग बोरिंग करेंगे और उस तरीके से पैसा जो है मार्केट में मूव करने लगेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी लेकिन अगर इसका उल्टा करती है सेंट्रल बैंक की वो सिक्योरिटी अब खरीद नहीं रही बेचना शुरू कर दे तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक क्या करेंगे उस सिक्योरिटी को खरीदने के लिए पैसे लगाएंगे उस पर तो उनका जो रिजर्व था वो वहां पे खरीदने में चला जाएगा तो कमर्शियल बैंकों पर इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ लोन या फिर जिस तरीके से तो फिर क्या होगा कि सर्कुलेशन में मनी कम आएगा क्योंकि गवर्नमेंट या तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर देगी क्योंकि उसको लगेगा हमारे पास खुली इतना रिजर्व नहीं कि हम इतना बांटें तो फिर क्या होगा सर्कुलेशन में पैसा जो है वो कम हो जाएगा तो इस तरीके से भी हमारी इकोनॉमी को ये इफेक्ट करती है अब सर्कुलेशन पैसा कम है तो इतना ना डिमांड होगी ना प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कर पाएगा क्योंकि उसको भी इतना पैसा नहीं मिल रहा तो ये सारी चीजें फिर इकोनॉमी में क्या होंगी इससे इफेक्ट होंगी नेक्स्ट इसका कंपोनेंट या नेक्स्ट फीचर है मनी सप्लाई एंड एस्पेक्ट ऑफ मॉडिटरी पॉलिसी मैनेजिंग मनी सप्लाई जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मनी की सप्लाई को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक हैज़ अथॉरिटी इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी सेंट्रल बैंक जो है वो मनी की सप्लाई पे असर डालता है उसके पास इतनी पावर है कि मनी की सप्लाई को अफेक्ट करे अगर वो मनी की सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में असर आए जब सेंट्रल बैंक बहुत सारा पैसा इंजेक्ट करता है इकोनॉमी में तो हम स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं क्योंकि पैसा है हमारी कंट्री में घूम रहा है हमारे पास भी आ रहा है तो हम उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे अपने डिमांड बढ़ाएंगे प्रोडक्ट लेंगे खुश रहेंगे अगर सेंट्रल बैंक ने पैसा कम कर दिया रिड्यूस कर दिया तो कंट्री में महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि करेंसी इतनी ना जनरेट हो रही है और ना ही इतने सर्कुलेशन में है कुछ ही लोग के पास ज्यादा पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी जो रिच होंगे वो तो खरीदेंगे लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो बैठे रहेंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैव द अथॉरिटी टू सेट रिजर्व रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक ये कमर्शियल बैंक लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट करती है कि आपको इतना पैसा अपने पास रखना ही रखना है इतना पैसा रखो उसके बाद बोरो मतलब उसके बाद आप लोन में दो लेकिन अगर आप रिजर्व नहीं बना रहे हो तो फिर सेंट्रल बैंक आपके पीछे पड़ जाएगी तो सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू भी पैसे का सर्कुलेशन कंट्रोल करती है अगर उसे सेंट्रल बैंक मान लो कमर्शियल बैंक हंड्रेड पैसा पैसा था जो वो लोन पे दे दी अब उसने कहा नहीं पचास परसेंट रोको अपने पास पचास परसेंट रोक तो अब वो सिर्फ पचास परसेंट दे रही है तो लोगों को सिर्फ पचास परसेंट मिल रहा है तो कंट्री में जो पैसा का फ्लो है वो कम हो गया लेकिन वही जब वो सौ दे रही थी तो सबके पास पैसा ज्यादा से ज्यादा घूम रहा था तो हम अच्छा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सब कर रहे थे तो ये रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट करती है कि इतना पैसा आपको होल्ड करना पड़ेगा उससे क्या होगा सर्कुलेशन में असर आएगा आपको भी समझ में आया कोलेबोरेशन विद फिजिकल पॉलिसी ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा और लास्ट है इसका ये फीचर की कोलाबरेट करते हैं मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी एक साथ वक्त है मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक एक्शन कंट्रोल कर रही है फ्रेम कर रही है कि कैसे मनी का सप्लाई होगा कैसे हम उसको मैनेज करेंगे और फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग और टैक्सेशन को इन्वॉल्व कर रही है ये दोनों आपस में कैसे कोलाबरेट करते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी में मान लो फिजिकल पॉलिसी लेते पहले कि फिजिकल पॉलिसी में इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर हमने गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे और टैक्स कब लेंगे ताकि हम इकोनॉमी को बैलेंस कर पाए इकोनॉमी ऑलरेडी वीक चल रही है तो हम कैसे उससे ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं पैसा ही नहीं तो टैक्स नहीं लेंगे कम लेंगे रिड्यूस कर देते हैं और हम ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि लोगों का वेलफेयर हो इसी के साथ हमारी मॉनिटरी पॉलिसी भी उसमें कोऑर्डिनेट करती है कि हाँ इकोनॉमिक टर्न डाउन चल रहा है तो हमें भी कैसे कोऑर्डिनेट करना है हम इंटरेस्ट रेट को कम कर दें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरिंग करें उनके हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए तो इस तरीके से दोनों आपस में मिलकर इकोनॉमी को क्या करते हैं इसको बैलेंस करते हैं ठीक है तो आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर है कि फिजिकल पॉलिसी क्या है मॉनिटरी पॉलिसी क्या है क्वेश्चन जरूर आएगा देख के जरूर जाना ठीक है नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लेजिसलेशन जो हमने इसमें डिस्कस करने हैं वो है कि इकोनॉमिक लेजिसलेशन हमने पढ़ा कि हमारा इकोनॉमिक इससे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है अब आता है इकोनॉमिक लेजिस्लेशन जो बताता है कि क्या लॉज है इकोनॉमिक से रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक इश्यूज सच एज अनथिकल ट्रेड प्रैक्टिस एक्सप्लाइटेशन ऑफ लेबर एंड ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इकोनॉमी बहुत सारे एक सोशल इकोनॉमिक इशू जैसे कि अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है लोग ट्रेड कर रहे हैं अनएथिकल वे में कंज्यूमर को मान लो लूट रहे हैं कंज्यूमर को गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं स्मगलिंग कर रहे हैं ये सारी चीज़ें हो रही है लेबर का एक्सप्लाइटेशन हो रहा है लेबर को सही से ना उसकी वेजेस दी जा रही है उससे बहुत ही वर्थ कंडीशन में काम कराया जा रहा है मोनोपली आ गई है इकोनॉमी में लोग मन चाह प्राइस सेट कर रहे हैं क्योंकि हम अकेले हैं जो सेल कर रहे हैं तो इन सब की वजह से इन द प्रिंसिपल रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर रिगार्डिंग सोशल एंड प्राइवेट इंटरेस्ट और ये सारी चीजें क्यों हो रही है क्योंकि प्राइवेट चाहता है प्रॉफिट बनाने तो इसलिए वो एक्सपोर्टेशन शुरू कर देता है कि मुझे पैसे बना दे जैसे जैसे बनाऊ और गवर्नमेंट चाहता है कि वेलफेयर हो तो इन दोनों की जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ठीक है विच आर नॉर्मली डिस्कार्डेड बाय प्राइवेट बिजनेस और हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइवेट बिजनेस नहीं करना चाहता क्योंकि उसको लगता है हम सोशली क्यों अपना पैसा बर्बाद करें बेनिफिट दे के लोगों को वो गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर आप करिए इसीलिए बहुत सारे लॉज और एक्ट आए हैं ताकि हम इसको मैनेज कर पाए हम ये ना करने दें कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप को इतना महान बना दे कि वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे तो गवर्नमेंट को कुछ लॉज लाने पड़े इस वजह से ताकि वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए ठीक है कौन कौन से लॉज हैं जो गवर्नमेंट लाई है ताकि वो प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर पाए ताकि वो ये सारी चीज़ों पे ना इन्वॉल्व हो हम उनको देखेंगे अंडर योर वेरिस एम आर टी एक्ट जिसको पहले कवर करेंगे तो इसको देखते हैं सो so, पहला है आपका एम आर टी पी एक्ट दैट इज मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस ठीक है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस से समझ में आ रहा है मोनोपोली मतलब जहाँ पे सिंगल सेलर वाला चीज हो और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब कि जो प्रैक्टिस है जो उसकी तो ट्रेड से रिलेटेड है उनको तो हम क्या करेंगे उनमें हम रिस्ट्रिक्शन डालेंगे उनमें हम बैरियर डालेंगे तो इससे रिगार्डिंग एक एक्ट आया जिसका नाम था एमआर पी वेरियस न्यू एंड लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव द इंडियन ट्रेड मार्केट आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे लार्ज बिजनेस और नए ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडियन मार्केट में एंटर करें द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन वॉज नॉट एक्सट्रीम हैज देब्लिश देर मोनोपोली देखो कॉम्पिटिशन तो ज्यादा नहीं है हम लोग आजाद हुए तो इतना तो किसी पैसा था नहीं पैसा तो कितना वो लोग लूट ले गए इतना हमारे कंट्री में था नहीं तो बहुत ही कम जो बिजनेस वाले थे मतलब जो नए बिजनेस थे या लार्ज बिजनेस थे जिनके वो पैसा था वो काफी कम थे उस टाइम पे तो वो इंडियन मार्केट में एंटर करते हैं वर्क करना शुरू करते हैं और उन्हें लगता है कि इतना कोई टक्कर देने वाला नहीं है क्योंकि कंट्री में इतने वेल स्टेब्लिश लोग हैं भी नहीं तो हम क्या करते हैं मोनोपोली लाना शुरू करते हैं हम अपना बोला वाला चलाएंगे अपनी मर्जी का प्राइस सेट करेंगे और लोगों को जो अंग्रेज एक्सप्लॉयट करके गए वो तो छोड़ो अब हम शुरू करते हैं अपना नया एक्सप्लॉयटेशन तो ये सब इन्होंने शुरू करा इंटेंशन ऑफ दोस्त नॉट हिडन फ्रॉम द आई ऑफ इंडियन गवर्नमेंट और इनका इंटेंशन गवर्नमेंट की आंखों से नहीं छुपा गवर्नमेंट देख रही थी वो लोग करके गए थे तुम लोग शुरू कर रहे हो अपनी ही कंट्री के साथ हेल्थीपी बिल वॉज पास फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर इंटरेस्ट विच इवेंचुअली रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ मोरूपलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्सटी नाइन अब गवर्नमेंट तो चुप बैठनी नहीं थी इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया एक बिल पास किया जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और उसके वजह से एक एक्ट सामने आया जिसका नाम था मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट नाइनटीन दिस लॉ इम्पावर द एमआरटीपी टी कमीशन टू क्लोज डाउन ऑल द फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विच अटेम्पटेड टू हेडल और गेट इन देल्दी कॉम्पिटिशन के अंदर एम आर टी पी कमीशन जो बनी उसको ये कहा गया उसको अधिकार दिया गया कि उन सारी फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दो जो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं इन सारी चीजों को खत्म करो इनमें बाधा हाँ डालना शुरू करो की फ्यूचर क्या थे एम आर टी पी को एम आर टी पी ने ये करा कैसे कैसे उसने मोनोपोली को हटाया रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस क्या ये सारी चीजें थी उसके फीचर्स हम देखेंगे पहला है प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोली जैसा नाम ही बता रहा है कि हमें मोनोपोली सु में क्या करना है कंट्रोल करना है द एक्ट एम टू प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू एंटिटीज इस एक्ट का काम था कि जो कुछ लोगों के हाथ में जो पावर इकोनॉमिक पावर है उसको हमें क्या करना है प्रिवेंट करना है क्योंकि जिसके हाथ में पावर है अगर कुछ लोग के हाथ में पावर है तो वही तो डोमिनेट करना शुरू करेंगे

कोल्यूज एग्रीमेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस दैट को नेगेटिवली इम्पैक्ट द कंज्यूमर वेलफेयर इसलिए क्या किया वो सारी प्रैक्टिस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो हमारी कंट्री में एक कंज्यूमर के वेलफेयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है जैसे कि प्राइस मैनिपुलेशन के अपनी इच्छा अनुसार आपने प्राइस को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अपना लिया ऐसी एग्रीमेंट आपने कर ली जहाँ पे आप दोनों अपना फायदा देख रहे हैं और कंज्यूमर को लूटना शुरू कर रहे हैं तो इन सारी चीजों पे उसने बैन लगाना शुरू किया उसे रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया मर्जर एंड एक्विजिशन पहले क्या होता है जो लोग लाल लार्ज वाले होते ना वो आपस में मर्ज कर जाते थे और मनोबली बना लेते थे तो ये आप देख रही है कि किस तरीके का मर्जर चल रहा है यहाँ पे एम आर टी एक्ट रिक्वायर प्रीरियर अप्रूवल ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड कमीशन फॉर मर्जर अगर आपको मर्जर करना है एक साथ अमल करना है तो आप एम आर टी पी कमीशन से अप्रूवल लीजिए उस चीज का अगर वो आपको अप्रूवल दे रही है तो ठीक है क्योंकि उसको भी पता है कि आप मर्ज इसीलिए करो ताकि आपके हाथ में पावर आ जाए और जो थोड़े बहुत लोग हो वही चलाओ मार्केट तो वो देखेगी वो समझेगी और अगर उसको लगेगा गलत है तो वो नहीं देगी अप्रूवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन द आई केम टू प्रोडक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट बाई प्रोबिटिंग अनफेयर प्रैक्टिस ऑफकोर्स जब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोबिट कर रही है देख रही है समझ रही है मोनोपली को भी रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो अब क्या होगा कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होगा जैसे कि कुछ लोग एडवर्टीजिंग ऐसे करते थे कि जो दिखाते कुछते और होता प्रोडक्ट में कुछ और ही था तो ये सारी चीज़ें पर वो नजर डाल रही है मिसलीडिंग प्रोडक्ट क्लेम जो आप प्रोडक्ट का क्लेम करते हैं कि हाँ ये ऐसा प्रोडक्ट ऐसा ही रहेगा आप ऐसा चलेगा और वो मिसलीडिंग है वैसा कुछ नहीं होगा तो ये सारी चीजों को उसने क्या किया प्रोबिट करना शुरू किया ताकि कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाए और एम आर टी कमीशन बना जो कि टाइम टू टाइम इस चीज पे नजर रखेगा रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ये जो इंप्लीमेंट करेगी और इन्फोर्स करेगी एम आर टी पी एक्ट के प्रोविजन की किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है पूरी मार्केट में किस तरीके से हमें इन सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बैन करना है इसके लिए हमने कमीशन भी सेट कर दिया जो इसकी जिम्मेदारी उठाएगी ठीक है जो भी है उनको इन्वेस्टिगेट करेगी और पेनाल्टीज लगाएगी उन सारे लोगों पे, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं जो गलत है नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दैट इज फेरा 1973 1973 में एक नया एक्ट आया जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अब ये कौन सी बुला है ये क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसको पढ़ेंगे फेरा और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट And in the जो हमारी कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं मतलब जो बाहर वाली कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है और जो हमारा उनसे लेन देन चल रहा है ट्रांजेक्शन चल रहा है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए हमने

वो लोग जो भी एक्सचेंज कर रहे थे मतलब हमारे कंट्री की ऐसी कंडीशन आ गई कि फॉरेन रिजर्व हमारे पास नहीं थे दूसरे कंट्री की जो करेंसी होती है ना हमारे कंट्री में एक स्टॉक बनता रखा रहता है गवर्नमेंट के पास ताकि वो यूज़ हो फर्दर जब भी ट्रांजेक्शन हमें करना हो तो वो हमारे यहाँ से कम होने लग गए हमारे यहाँ कंट्री में फ़ॉरन रिजर्व इतना आ ही नहीं रहता था एक्सचेंज आ ही नहीं रहा था हमारे कंट्री में वो गवर्नमेंट पास इतना स्टेबल नहीं रहे तो गवर्नमेंट सोचने लगे ये क्यों हो रहा है फ़ॉरन के साथ तो ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों बनी हुई है कि पैसा इतना है नहीं रिजर्व भी कम हो गया है तो गवर्नमेंट को पता चला कि लोग जो कंट्री के हैं वो इन सारी चीज़ों में इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो लोग क्या कर रहे हैं अंडर इन्वाइसिंग करा रहे हैं ओवर इन्वाइसिंग करा रहे हैं मतलब कि बेचते ज़्यादा का है और उनसे हो सकता है तो पैसे किसी और सोर्स के थ्रू ले रहे हैं मतलब कि अपने अकाउंट में नहीं मंगवा रहे हैं अकाउंट में मंगाएंगे तो गवर्नमेंट की नज़र में वो पैसा आएगा कि बाहर से आया है वो लोग या तो लोगों को भेज रहे हैं उनसे पैसा कैश लेके आ रहे हैं या अलग अलग कंट्री में अपने अकाउंट ओपन कराए हैं तो पैसा डायरेक्ट वहां जा रहा है यहाँ नहीं आ रहा है तो ये सारी चीज़ें में ये लोग इन्वॉल्व हो गए तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमें ये जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चल रहा जो ट्रांजेक्शन चल रहा है फॉरन कंट्री से इसको हमें कंट्रोल करना है इसे रेगुलेट करना है कि कोई इस तरीके की धोखाधड़ी ना हो क्योंकि कंट्री में पैसा नहीं आ रहा इसका मतलब पैसा जा कर आ रहा है जब हम लोग कर भी रहे हैं ट्रेड तो इसका मतलब वो लोग क्या कर रहे थे कि गवर्नमेंट की नजर में ना आए हमें ज्यादा टैक्स ना देना पड़े हमें इस पर ज्यादा वो ना करना पड़े तो हम इस तरीके की फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी में लग जाते हैं

इन्वेस्टमेंट अगर आपको दूसरी कंट्री पैसा भेजना है फॉरेन एसेट खरीदने हैं तो इन सबके लिए आप चाहते हैं आप एक्सचेंज का मतलब ट्रा, तो ट्रांजेक्शन करो फॉरेन एक्सचेंज दूसरी कंट्री से सामान खरीदो अपने कंट्री का पैसा दो उनकी कंट्री का पैसा लो अगर उनका आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा परमिशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्फोर्समेंट एंड पेनाल्टीज़ हैड स्ट्रिकेंट इन्फोर्समेंट एंड मेकैनिजम टू इन्श्योर कम्पलाइंस विद इट्स प्रोविजन जो भी इसके रूल्स रेगुलेशन है कि आर बी आई की परमिशन चाहिए आपको अगर आपको लग रहा है कि वो लोग नहीं ले रहे हैं और ऐसी ही चीज़ें चली तो वहाँ पर पे हम पेनाल्टीज लगाएंगे उनसे फ़ाइन लेंगे जेल भी भेज सकते हैं इस केसेस में अगर वो अनलॉफुल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो फ़ैरा जो है वो बिल्कुल एक तरीके से क्या कर रही थी कंट्रोल कर रही थी पूरी चीज़ों को कि लोग धोखाधड़ी और इन सारी चीज़ों पर ना इन्वॉल्व हों और फॉरन एक्सचेंज का जो क्राइटेरिया है वो हमारे यहाँ मेनटेन हो पाए तो इसलिए ये एक्ट आया हमारा फेरा नेक्स्ट है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फैमा क्या है जब इतना कंट्री में ये हो गया ना कि हमने इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि फॉरेन एक्सचेंज आपको कोई भी करना है आपको कोई भी मशीन लेनी है या कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आप गवर्नमेंट से पूछो आरबीआई से पूछो प्रोसेस के थ्रू तो जाओ तो लोग कचराने लग गए यहाँ पे ट्रेड करने से और यहाँ के लोग दूसरी जगह पे ग्लोबलाइजेशन पे एफर्ट्स डालने में उनको लगा कि बहुत झंझटी काम है छोड़ो तो इस केस में भी क्या हुआ कंट्री में चेंजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो गया दिक्कतें आने लग गई तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब चेंज करने का टाइम है अब हम लोग थोड़ा सा लिब्राइजेशन लाते हैं ओपन करते हैं मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कि आइए आप इन्वेस्ट करिए इतना हमारा रूल्स रेगुलेशन नहीं है हाँ कुछ हद तक है जो आपको करने होंगे जो कि बहुत ही इजी है आप समझ लोगे आसानी से इतना नहीं है कि उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जितना पहले था तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया वैसा इन्वायमेंट क्रिएट करना चाहते थे जो फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे और उनके लिए हमारी कंट्री के साथ ईजी हो बिज़नेस करना या हमारे बिजनेस का दूसरे के साथ ईजी हो इन्वेस्ट करना और बिजनेस करना तो मेन की फीचर जो था फेमा का वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करना क्योंकि लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे उनको लग रहा था कि इस कंट्री में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं यहाँ के लोग इतने कंजर्वेटिव है इतना रिस्ट्रिक्शन है लोग के यहाँ कि इतना हम लोग झंझट पे नहीं पढ़ना चाहते तो हम लोगों ने फिर थोड़ा बहुत इंप्रूव करना शुरू किया गवर्नमेंट अंडरस्टूड दैट अट्रैक्टिंग फॉरन कैपिटल वॉज क्रूशियल फॉर द कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ सो दे इंट्रोड्यूस प्रोविजन डेट रिलैक्स सम ऑफ द प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई फेरा दिस वॉज लाइक ओपनिंग द डोर फॉर द फॉरन इन्वेस्टर अब अपने फॉरन इन्वेस्टर के लिए डोर जो है वो ओपन करें सिंगल कॉन्सिडुलेटेड लॉ फेमा कॉन्सोलिडेट एंड रिप्लेड वेरस एक्जिस्टिंग लॉ इंक्लूडिंग फॉरन एक्सचेंज रेगुलशन एक्ट इट एम टू सिंपलीफाई एन स्ट्रीम लाइन द फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन अब गवर्मेंट ने क्या कहा हम सिंगल लॉ लाएंगे वही लॉ होगा जो पूरे फॉरेन एक्सचेंज फॉरन इन्वेस्टमेंट को गाइड करेगा जितने भी पहले लॉस हैं चाहे वो फेरा हो सबको हम लोग हटाएंगे एक सिंगल लॉ लाएंगे जो इंडिविजुअल के लिए ईजी होगा कि वो अंडरस्टैंड कर पाए रूट्स लिबराइजेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज फेमा ब्रॉड इंटू मोर लिबरल एंड फ्लैक्सिबल अप्रोचेज टूअ फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इट एम टू इंकरेज फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोट ट्रेड एंड फैसिलिटेड क्लोज ब्रॉड बॉर्डर ट्रांजेक्शन सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज ऑन प्रीवियस रेगुलेशन वॉज रिले जो भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुए थे उनको हमने लिबरल कर दिया ताकि फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को हम अट्रैक्ट कर पाए ट्रेड को प्रमोट कर पाएं तो अब ये ईजी इट है कि एक्सचेंज के जो भी चीज़ें थी जो भी

अथॉरिटीज़ को सेट किया जो ऑथराइज हैं और इन्हीं ऑथराइज बैंक मनी चेंजर इन लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होगा वो आप ही इन लोग को देखना है आप ही के बिहाफ पे ही हो पाएगा दीज ऑथराइज पर्सन एक्ट एज एंड फैसिलिटेट फॉरन एक्सचेंज मार्केट इन ज्योरिंग द कंप्लायस ऑफ पेमा और ये सारे जो भी ऑथराइज पर्सन है जिनके अंदर में सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो लोग इस जिम्मेदारी को भी उठाए पेमा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तो ये था आपका कि पैरा क्यों आया क्यों फिर फेमा आया ठीक है ये सारी चीज़ें पढ़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर में हमने अलग अलग पॉलिसी पढ़ी ठीक है लेजिस्लेशन पढ़े आई होप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ में आया होगा स्टिल कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे वीडियो को करेंगे लाइक चैनल को करेंगे सब्सक्राइब थैंक यू